आज हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि वशिष्ठ योग के दूसरे चरण में आता है। जो चार नियम है वशिष्ठ योग के, उसके पहले नियम के बारे में हम कल बात करेंगे। आज का जो विषय है वो है स्वयं की साधना। तो पहला जो चरण है वो है इंद्रिय नियंत्रण, दूसरा जो है वो है स्वयं के साथ, तीसरा जो है वो है स्वयं की खोज, और चौथा जो है वो है संसार। तो आज दूसरा दिन, तो हम स्वयं के साथ इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा वशिष्ठ योग के तहत बात करें। इस चीज को आप समझ दो कि ये तब की बात है, अब से करीब करीब 7000 साल पहले। चाहे तुम्हारा पूरा का पूरा जो आध्यात्म है वो कुछ भी कह ले, कि लाखों सालों के बाद युग बदलता है, लाखों सालों के बाद युद्ध बदलता है, आज भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी और 4.5 लाख साल जाना बाकी है, ये और वो। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि हर 2500 साल के बाद कोई ना कोई चेतना जन्म। बुद्ध 2500 साल पहले थे, उसके 2500 साल पहले कृष्ण थे, उसके 2500 साल पहले राम। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की भी बात करें, या एक बेसिक हमारे पास जो उनकी वंशावली है इसके हिसाब से भी बात करें, तो 7000 साल पुरानी भी वो चीज जाती है। तो हम 7000 साल पहले की ही बात कर रहे हैं, समझ लें, कोई हम लाखों सालों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पुराणों के हिसाब से, और मैं पुराणों की बात कर रहा हूँ, मैं वेद और उपनिषद की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुराणों के हिसाब से करीब करीब लाखों सालों का एक युग होता है, जो कि आर्कियोलॉजिकली हम कभी प्रूव नहीं कर सकते। विज्ञान ये मानता है कि 60,000 साल पहले इस पृथ्वी पर, 60 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर जीवन की निर्मित शुरू हुई। अगर मनुष्य का भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें, जो हम प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी 60,000 साल पहले तक ही जाता है। उसके पहले क्या था, तो एप्स थे, उसके पहले क्या था, तो अलग कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। लेकिन अगर इस सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हुई, जिसमें मनुष्य के पास थोड़ी थोड़ी अक्ल आई कि वो आग जला सके, वो पहिया बना सके, वो चीजों को विकसित कर सके, अपने लिए घर बना सके, इसकी शुरुआत करीब करीब 60,000 साल पहले भी, ये विज्ञान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मानता है। तो हम उसी हिसाब से हमारे चीजों को देखेंगे, ना कि जैसे कि पुराणों में वर्णित है लाखों और करोड़ों सालों की बात, जिसका कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। और इसीलिए प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हिंदू के पुराने ग्रंथों की बात आती है, तो उसे कहा जाता है माइथोलॉजी। जो शब्द आता है मिथ, मतलब झूठ, कि बस बातें हैं, बस लिखी गई, चार लोग बैठे और लिख दिया कि लाखों सालों की करोड़ों सालों की बातें लिख दी, और लिखने में क्या है, बात करने में क्या है, वो तो कुछ भी की जा सकती। तो उसी तरह से हम जो कह रहे हैं वो समझ लो कि 7000 साल पहले जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे। जो वंशावली राम के बाद की जनरेट की गई है उसका एक अंदाजा लेके ही हम कहेंगे कि करीब करीब 7500 साल पहले राम। हमारे आश्रम के पास भी जो दस्तावेज मौजूद है वो उसी तरह के हैं, उसी पीरियड्स के हैं, तो मैं उसी की बात कर, ना कि ये कहूंगा कि लाखों साल पहले और ये वो सब बड़ी बड़ी बात। तो इस चीज को हम बराबर से समझ ले कि जैसे ही हम कहते हैं कि स्वयं के पास आना, स्वयं में स्थिर होना, इसका मतलब क्या है? स्वयं की स्थिरता का मतलब पहले तो स्वयं से समझना चाहिए। अब ये स्वयं क्या, स्वयं का नॉर्मली मीनिंग आता है कि मैं, मुझ में स्थिर होना। इसका अर्थ लोग लगाते हैं कि बस मैं अपने में कॉन्सेंट्रेट हो जाऊं। इसका अर्थ नॉर्मली अगर मैं तुमसे भी पूछूं कि स्वयं में रुकने का मतलब क्या है, तुम कहोगे कि मेडिटेशन, तुम कहोगे कि इस मोमेंट में रुकना। तुम ज्यादा से ज्यादा कह पाओगे कि मैं अपने पूरे जीवन की सारी जो ऊर्जा है वो अपने और मोड़ रहा है। वही है स्वयं में स्थिर होना। इसका तो कोई इससे परे का अर्थ नहीं समझ आता। लेकिन समस्या ये है कि क्या तुम्हें तुम्हारा स्वयं पता है? अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि ये स्वयं है क्या, तो तुम स्थिर किस में होगे? अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, तो तुम स्थिर किस में होगे? और याद रखना, हम चरणों की बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी श्रृंखला, ये पूरा का पूरा प्रवचन, ये पूरी की पूरी चारों के चारों पथ, ये पहुंचने के बाद की बात नहीं है, ना ही पहुंचने से रिलेटेड है, ये पथ की बात है।
ये शरीर की बात है, ये शरीर से जुड़ी हुई है, ये तुमसे जुड़ी हुई है। जो तुम अपने को जानते हो, जो तुम अपने को समझते हो, ये उससे जुड़ी हुई। पहले तुम वो समझ लो जो तुम हो, पहले तुम वो समझ लो बराबर से, जहां से तुम्हें शुरू करना है तो तुम्हें आसानी होगी उस जगह पे जाने के लिए जिसको समझा ही नहीं जा सकता। तुम शुरुआत की बात कह रहे हैं, हम पथ को निर्मित कर रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई हम बस गाड़ी को सही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जब मैं स्वयं की बात कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं स्वयं में स्थिर होना, इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि एनलाइटनमेंट या खुद को जानने के बाद की बात। अब जिसने खुद को जान ही लिया वो तो खुद में स्थिर ही है, उसके बारे में क्या बात करना कि स्वयं में स्थिर। जब मैं कह रहा हूं कि स्वयं में स्थिर होना, इसका मतलब है कि तुम अभी जो खुद को समझते हो, हम बस उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो तुम खुद को पता है वो है तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचार, यही तुम हो। इससे परे हम खुद को नहीं जानते। एक साधक की यही दशा है कि वो खुद को शरीर के रूप में देख रहा है, खुद को मन के रूप में देख रहा है, खुद को विचारों के रूप में देख रहा है। इससे परे उसे कुछ नहीं पता, इसके परे उसका कोई अनुभव नहीं, और जो अनुभव है भी वो समझ नहीं पाएगा, ना ही वो उसे कैलकुलेट कर पाएगा, ना ही वो उसे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इतनी एक बेसिक चीज को समझना पूरी की पूरी श्रृंखला के तहत, कि जब हम स्वयं की बात कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि स्वयं, इसका इतना ही मतलब है कि जो है फिलहाल तुम्हारे हाथ में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूं, कोई भी ये ना समझे कि मैं आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूं, बस मैं तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूं, बस मैं व्यक्ति के शरीर की बात कर रहा हूं। जब मैं कहूंगा कि स्वयं में स्थिर होना, इसका इतना ही मतलब है कि तुम अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाओ। स्थिरता का एक ही मतलब है कि तुम सचेत रहो। ये ऐसे ही है कि तुम गन पॉइंट लेके युद्ध के बीच में खड़े हो। अब तुम स्थिर हो, तुम इतने अवेयर हो कि कहां से गोली चल रही है और कहां से आवाज आ रहा है, क्योंकि अगर तुम अवेयर नहीं होगे तो कोई गोली तुमको छू के चली जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं। जब तुम जीवन में इतने अवेयरनेस के साथ जीते हो, जब तुम अपने जीवन में शरीर के प्रति पूरी की पूरी ताजगी के साथ जीते हो, जब तुम अपने जीवन में शरीर के प्रति पूरी की पूरी, जिसे हम कहें कि इस सेकंड में जीने लगते हो, दैट इज द थिंग, वही वो समय है स्वयं में स्थिर होने का। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इंद्रियों को अपने पास खींचो। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि बाहर की चीजों को बंद करो और सारी की सारी ऊर्जाओं को अपने शरीर पर केंद्रित कर लो, इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर तुम किससे बात करोगे, अगर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे प्रिय जन है, अगर तुम उनके साथ बैठोगे तो ऊर्जा तो बहेगी, दो लोगों का आदान प्रदान होगा ऊर्जा हो। अगर तुम समाज में जी रहे हो तो ये बिल्कुल होगा। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि शरीर जो है वो तुम्हारा है, और स्वयं में स्थिर होने का मतलब है कि तुम अपने शरीर के प्रति सचेत हुए, तुम अपने स्वयं के प्रति स्थिर हुए, तुम अपने स्वयं के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हुए, अवेयर। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर और शरीर के आसपास हो क्या रहा है। नॉर्मली हम कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी उठते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम बैठे हैं तो हमारे शरीर का कोई अंग अपने से हलने लगता है, हमारे जो आंखें हैं वो अपने से बंद होगी, खुली होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम बैठे हो तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम बैठ जाते हो अपने से, कोई पैर के ऊपर पैर रख लेगा, कोई नॉर्मल मांडी डाल देगा, कोई पैर एक आगे कर लेगा, कोई पीछे कर लेगा, किसी को थोड़ा पास बैठने की आदत है, किसी को थोड़ा हल्का बैठने की आदत है, और ये सारे की सारी जो पूरी की पूरी तुम्हारे शरीर की गति है, ये अपने से हो रही। अगर तुम नींद भी ले रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं कि कब कड़वट बदल रहे, तुम्हारे सोने की एक पोजीशन फिक्स है, तुम उसी तरह से सो, और ये सब हो रहा है तुम्हारे जाने बगैर, अनोइंगली। अगर तुम उसे जानना चाहते हो पूरी तरह से, उस परमात्मा को या उस शक्ति को जिससे तुम बने हो, या मैं उससे भी अगर बेसिक चीज कहूं तो मैं कहूंगा कि अगर तुम उसे जानना चाहते हो कि जिसका सिर्फ एक ख्वाब है, जिसके बारे में सुना है, जिसकी प्यास है, जीवन को जीते जीते तुमने पाया कि हर चीज करने के बाद भी उस प्यास, वो प्यास बची है, कुछ भरा नहीं भीतर, अब तुम उस चीज के पीछे हो कि कुछ ऐसे की तलाश हो कि भर जाऊं। तो जब तुम उस राह पे निकल पड़े,
जब तुम साधक अवस्था में आ गए तो ये समझना कि सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज है और वो है खुद में स्थिर होना। कि अब तुम शरीर के प्रति संवेदनशील हो, तुम स्वयं के प्रति, अपने शरीर के प्रति तुम स्थिर हो। क्योंकि स्वयं का इस वक्त का मतलब साधक के लिए फिलहाल का स्वयं का मतलब वो शरीर ही, वो मन ही है, वो विचार ही है, इससे परे क्या है। ये आत्मा परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें अभी साधक के समझ ना आएगी, और अगर बताई भी जाए तो वो बस इमेजिनरी लेवल पर होगी, उसके अपने एग्जिस्टिंग अनुभव में नहीं होगी। और जो चीज तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं है वो तुम्हारी नहीं है। बातें तो 100 की जा सकती है, सोच के साथ तो कुछ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। अपने सोच में तो तुम इस देश के प्रधानमंत्री भी बन जाओ, लेकिन क्या तुम बने? तुम्हारे सोचने से क्या हो? उसी तरह से आत्मा और परमात्मा को थोड़ा हम साइड में रखते हुए बस अपने शरीर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि साधक की दशा शरीर से ही शुरू, साधक का पूरा प्रवास शरीर से ही आगे है। तो जैसे ही तुम शरीर के पास आए, तुम अपने को सोचो, तुमने जो भी जिया, आज भी तुम जो जी रहे हो, अपने साथ बैठे हो, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपने शरीर के पास ही नहीं। स्वयं में डूबने का मतलब, स्वयं में स्थिर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम घंटों ध्यान में बैठे रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से कांटेक्ट कम कर दो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम लोगों से बात मत करो, तुम बाहर के जीवन में इनएक्टिव हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं। लोग तुमसे यही कहेंगे, आध्यात्मिक गुरु तुमसे कहेंगे कि स्थिरता का मतलब है बाहर की दुनिया से कट जाओ। अपने में डूबने के लिए बाहर से दुनिया से टूटना पड़ता है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा एक प्रोफेशन है, तुम कैसे टूटोगे अचानक से? और बिकॉज तुम टूट नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे गिल्ट का वो अनुभव लेंगे, मजे लेंगे। तुम तो छोड़ नहीं पाओगे, और वो ऐसे दिखाएंगे कि वो छोड़ बैठे। तो यहां पे गड़बड़ी शुरू। मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा परमात्मा बाजू में रखो, तुम अपनी बात करो। एक साधक के लिए सबसे जरूरी है उसके शरीर के बारे में सोचना, उसके शरीर को उस दशा के लिए तैयार करना जिस पथ पे वो जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की उस चीज से, जिस चीज से हम करना चाहते थे, वो है अपने इंद्रियों पे काम। और जैसे ही तुमने अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को संतुलित किया, स्थिरता में लाया, अब तुम्हारा काम है कि तुम अपने जीवन के प्रति, अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाओ। याद रखना, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने विचारों के प्रति या अपने भाव के प्रति संवेदनशील हो जाओ। वो बहुत गहरे तत्व है, वो अंदर की परत है। पहले तुम ये तो कर लो, तुम ऊपरी चीज तो कर लो, तुम बस शरीर के प्रति थोड़ा सचेत हो जाओ। अगर तुम बैठे भी हो तो मैं तुमसे अभी भी कहूंगा कि बस एक सेकंड के लिए तुम अपने शरीर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। तुम अपने शरीर को फील कर लो कि देख तुम बैठे हो, और तुम पाओगे कि अचानक से एक शांतता तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो। जैसे भी तुम बैठे हो, अचानक अपने शरीर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, और तुम पाओगे कि एक तुम्हें लगा कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हें लगा कि स्थिरता बढ़ी, तुम्हें लगा कि कुछ मौन, कुछ अखंड जो तुम्हारे भीतर बढ़ी, तुम इस क्षण में प्रेजेंट हो, इसका भाव बना। जितना भी समय तुम इस चीज को दोगे, तुम पाओगे कि धीरे 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 तुम अपने पास आए, धीरे धीरे तुम अपने में खींचे आए, धीरे धीरे ही तुम्हारी ऊर्जा अपने में ही जुड़ आई। तो बाहर से टूटने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने पास जो है उसके प्रति स्थिर होने की जरूरत है। तुम कब तक चीजों को छोड़ोगे? आध्यात्मिक तुमसे ये कभी नहीं कहता कि चीजों को छोड़ो। सच तो यह है कि अगर हम पुरानी संप्रदायों को या पुरानी सभ्यताओं को देखें, अपने ही, चाहे वो वैदिक काल की हो, उसके बाद की हो, बाद में पौराणिक काल की हो, ये पौराणिक काल का समय आया जब इस देश ने अध्यात्म में लोगों ने जीवन का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा जीवन गंदा है। ये अभी 1,000-1,500 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन अगर तुम ओरिजिनलिटी देखो, तुम अगर 2,500 साल के पहले की चीज देखो, तो तुम पाओगे कि आध्यात्म ने कभी जीवन का विरोध नहीं किया। जो गुरु भी रहते थे, जो भगवा डाले रहते थे, उनकी पत्नी बच्चे थे, वशिष्ठ की पत्नी थी, कोई भी तुम सप्तर्षियों में से चुनो, उनकी पत्नियां थी, उनका परिवार था। अगर हम कहते हैं कि गुरु द्रोण, ये गुरु, वो गुरु, व्यास,
हम इनके लोगों के भी नाम लेते हैं तो हम पाएंगे कि इनका भी अपने व्यक्तिगत रूप में जीवन था, तो जीवन का कोई विरोध नहीं था किसी भी आयाम में। ये तो बात की बात है कि जब जीवन का विरोध पड़ा, और शायद इसीलिए अध्यात्म में इतनी समस्याएं भी निर्मित हुई और इसीलिए अध्यात्म की इतनी खच्चीकरण भी हुआ। लोगों ने उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया, क्योंकि अब जी के नहीं बताना है, बस बातें करना है। क्योंकि अब जी के बात करने की बात ही बाजू में हट गई, बस बड़ी बड़ी बातें करो और जैसे अपन है वो तो साइड में चल ही रहा। ये चीज आगे बढ़ गई, ये चीज आगे आ गई कि अंदर तो कुछ और है लेकिन बातों में क्या है। बातें तो कुछ भी की जा सकती है, तुम भी चार वेद पढ़ लो तो तुम ऐसी बातें कर लोगे कि बस मुख में सरस्वती और अपने जीवन में सब। शायद इसी कारण से हुआ कि हम जीवन के विरोध में गिरे, हमने जीवन को गंदा कहा, हमने कहा कि शादी ब्याह बच्चे परिवार व्यवसाय ये सारी चीजें गंदी है, परमात्मा की खोज के लिए सब छोड़नी पड़ती है। और इसीलिए इस समस्या से वो व्यक्तिगत रूप से आदमी जूझता रहा, किसी को पता नहीं। इसलिए बहुत से गुरुओं के जो हम स्कैंडल्स बाहर देखते हैं ये उसी का नतीजा है कि बातें तो ऐसे थी कि बस परमात्मा इनके गोद में बैठा है और बाद में जब असलियत पता चली तब सब गड़बड़ा गया, सब खोखला हो गया, पूरा का पूरा भरोसा टूट गया और इनके कारण लोगों का अध्यात्म पर से भरोसा। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वयं में स्थिर होने का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि तुम बाहर की चीजों को छोड़ो, बाहर की चीजों को तोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जैसे ही तुम अपने शरीर के पास आए, तुम जैसे ही अपने प्रति सचेत हुए, तुम अपने प्रति स्थिर हुए कि बाहर की चीजें अपने से छूटेगी। ये ऐसे ही है जैसे अगर तुम पढ़ाई में लग गए तो तुम्हारे दोस्तों के साथ का कॉन्टेक्ट अपने से कम। अगर तुमने कहा कि मुझे यूपीएससी करना है तो मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, तो उस 8 घंटे की पढ़ाई में डेफिनेटली दोस्तों के लिए अब कम समय होगा। अगर ये 8 घंटे तुम पढ़ोगे नहीं तो 8 घंटों में से 4 घंटे दोस्तों के साथ बैठे रहोगे गपशप मारो। ये हम सबके जीवन का एक सफर है कि जब हमारे पास समय था तो हम दोस्तों के साथ थे, लेकिन जब हमारे करियर आगे बढ़े हम बिजी हो गए, दोस्तों के लिए अपने से कम समय हुआ। ऐसा नहीं है कि तुमने दोस्तों के साथ का समय कम किया, अपने से वो हर कोई अपने पर्सनल लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा समय देने लगा, तो इन बाकी की चीजों के लिए अपने से कम समय। बस मैं वही कह रहा, जैसे ही तुमने अपनी ऊर्जाओं को अपने पे केंद्रित किया, तुम पाओगे कि बाहरी जो चीजें जिसमें तुम अटके पड़े हो, बाहरी वो चीजें जो तुमसे जुड़ी हुई है और तुम तोड़ना चाहते हो फिर भी टूट नहीं रही, और फिर भी तुम और उसमें ढलते ही जा रहे हो, ढलते ही जा रहे हो चीजों को संवारने के चक्कर में, और बर्बादी खुद को लेते ही तुम्हें निगलती ही जा रही है क्योंकि तुम गलत जा रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं उस चीज से छूटना चाहता हूं जो मुझसे बंधी है और मैं ही मेहनत लूंगा उसको दूर करने के लिए, तो ऊर्जाएं तो तुमसे ही जा रही है, पहले खींचने के लिए जा रही थी अब दूर करने के लिए जा रही। मैं तुमसे कहता हूं कि उस पर ध्यान ही मत दो, तुम अपने प्रति सचेत हो जाओ, ये अपने से गिर पड़ेगी क्योंकि जैसे ही उसमें ऊर्जा जाना बंद हो गई वो गिर गई। तो तुम अपनी ऊर्जाओं को अपने में सीमित किए कि बाहर की चीजें गिरना शुरू हो, ये वैसी ही है। तो किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने में स्थिर होना। और अपने में स्थिर होने के 2 प्रयोग है, एक तो है साक्षी और एक है समर्पण। साक्षी जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना है, जाना है, समझा है, ओशो ने पूरे जीवन भर साक्षी इस एक शब्द पे काम किया। ओशो ने कहा कि सबके साक्षी बन जाओ, अपने शरीर के, विचारों के, भाव के। और ऐसे बहुत से लोगों ने, आज भी जो बहुत से लोग हैं, जैसे कि मोजी है और भी कुछ लोग हैं, वो साक्षी पे काम करने वाले, वो कहते हैं साक्षी दृष्टा, ये भी एक पथ है। अगर तुम्हें ये सही लगे तो तुम इसको चुनना, तुम अपने शरीर के प्रति सचेत हो, तुम बैठे भी हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर के अंग है। अगर शरीर के हाथ पैर आंख हलता भी है तो अब तुम सचेत हो, तुम जानते हो कि तुम्हारी उंगलियां हिल रही है, आंखें हिल रही है, ये एक पथ। और दूसरा पथ है समर्पण। ये समर्पण के पथ में तुम समर्पित हो उस क्षण के लिए, ये ऐसे है कि जहां पे तुम हो वही हो। इस चीज की साधना ही तुम्हें खुद के पास ले आए। जैसे हमने कहा था कि अगर खुद के पास आना है, खुद पे समर्पित होना है, खुद के प्रति इस क्षण में जीना है, अगर तुम्हें शून्य में उतरना है तो खुद के प्रति समर्पित भाव से जियो,
इसका इतना ही मतलब है कि तुम जो भी हो उस क्षण के हो जाओ, जो लाओत्सु की टेक्निक है, उसके पहले कृष्ण की, और ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने इस चीज को कहा कि ये किसी ने इसको चुना, किसी ने उसको चुना। ये ऐसे ही है कि मैं तुमसे कहूंगा इस रास्ते से भी तुम घर पहुंच सकते हो और इससे भी। तुमने कहा कि दोनों में से सरल कौन, मैंने कहा दोनों सरल। सवाल यह है कि तुम्हें कौन सा जचता है, यहाँ पे अलग फूल लगे हैं, वहां पे अलग पौधे लगे, इस रास्ते पे भी ट्रैफिक है, उस पे भी ट्रैफिक है, दोनों रास्ते सरी के ही है, ट्रैफिक भी सरी का ही है, लेकिन आसपास की हरियाली अलग अलग है, अब तुम चुनो। आसपास की बिल्डिंग्स अलग अलग है, अब तुम चुनो कि तुम्हें किस रास्ते से घर जाना है। अब इस बेवकूफी में मत पड़ना कि तुमने कहा कि मैं ये भी करके देखूंगा वो भी करके देखूंगा, या मैं इसको भी करूंगा और उसको भी करूंगा। अगर तुम्हें लगता है तो तुम दो चार पांच दिन साक्षी करके देखो, अगर तुम्हें लगता है तो तुम दो चार पांच दिन समर्पित जीवन जी के देखो, और फिर जो तुम्हें सही लगे, तुम्हें जचे, तुम उसको लेके आगे बढ़ो। लेकिन ये मत करना कि तुमने कहा कि भाई नहीं मैं दोनों साक्षी से भी, और ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही है कि एक गाड़ी है और दो रास्ते, और तुम कहोगे कि मैं दोनों रास्तों से जाऊंगा, क्या ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये उतनी ही सीधी बात है, क्योंकि ये दो अलग तरह से काम करने वाली चीजें हैं। साक्षी तुम्हें शरीर से तोड़ता है, समर्पण तुम्हें उसमें जोड़ देता है, इस वक्त में वो जोड़ देता है। अब इसमें करना क्या है, साक्षी के बारे में ऐसा है कि अगर तुम बैठे हो तो अपने प्रति सचेत हो, अगर तुम किसी को देख रहे हो तो बस इस भाव में रहना कि एक है जो तुम्हें देख रहा है और तुम इस शरीर को देख। अगर ये हाथ हिलता है, तुम्हें पता है कि हाथ हिल रहा है, खाना खा रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा शरीर निवाला चबा रहा है, दांत काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, उंगलियां काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर के प्रति पूरी सचेतता ही साक्षी है। ये पहला चरण उसका, ये पहला चरण, ये अंतिम नहीं है, ये पहला है, मैं पहले ही बता, क्योंकि हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं शरीर की ही बात तुमसे कहूंगा, बात की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये तो कर लो, पहले इसको तो सही ढंग से कर लो, सब कुछ जानना ही है तुम्हें, सब कुछ पहले ही पता कर लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं कहूंगा पहले पायदान के बारे में बता रहा हूं, पहले उस पर तो चढ़ जाओ, पहले वहां पे तो अपने पैर घट कर लो, पहले तुम बेस तो बना लो, इमारत का हम बाद में। तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, याद रखना तुम शरीर के प्रति अब सचेत हुए, और धीरे 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 तुमने पाया कि जैसे ही तुम अपने शरीर के प्रति सचेत हुए, आसपास की वो चीजें जिससे तुम्हारा बेवकूफाना जुड़ाव था वो अपने से कट गया, अपने से, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं बची, वो अपने से उसके जीवन में स्थिर हो गया, तुम अपने जीवन में। ये मैं कहता हूं कि स्वयं में स्थिरता, कि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम अपने में स्थिर, अब तुम अपने ही आनंद में अविरत हुए, तुम अपने में ही इतने खुश हो, अब तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं। यही तो साधना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि तुम अपने को एक लय में लाते हो और फिर अपने में ही विराजित हो जाते हो। तो स्वयं में स्थिरता का मतलब है खुद में विराजित होना, कि अब तुम खुद को तुमने सही किया और उस सही चीज में तुम स्थिर हो। तो कल हमने अपने को स्थिर किया और अब हम उसमें विराजित हो, हमने कहा कि अब ये जीवन सही जगह पे आया, अब हम इसमें स्थिर हुए, अब इस शरीर के साथ 2400 घंटे हम हैं। और दूसरा पथ है, जैसे मैंने हमेशा बताया है, कि तुम उस जगह पे जहां पे हो वही बन जाओ। जब तुम पानी पी रहे हो उसके छोटे छोटे प्रयोग, कि 24 घंटा करने जैसी चीज नहीं है, वो 24 घंटा अपने से हो जाती है। ये ऐसे ही है कि अगर तुम नहा रहे हो बस नहा, अगर तुम टॉयलेट भी जाते हो तो बस टॉयलेट के लिए जाना, फिर बाहर का मोबाइल परिवार दुनिया भूल जाना। मैं हमेशा कहता हूं कि वॉशरूम का एक ऐसा समय है जो सिर्फ तुम्हारा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तुम्हें। जब तुम नहाते भी हो, तुम टॉयलेट के लिए भी जाते हो, पेट साफ करने के लिए भी जाते हो, वो एक ऐसा समय है कि वहां पे तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हमें वहां पे भी अब मोबाइल की आदत लग गई। मैं कहता हूं कि वो तो बराबर उस जगह पे बने रहो, जो तुम कर रहे हो उस प्रोसेस में बने रहो। हम दिन भर में अगर 10 से 12 ग्लास पानी पीते हैं तो याद करना कितनी गंदी तरह से हम पीते हैं, पता भी नहीं चलता और हम पी लेते। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बस ये दिन भर के 12 मिनट को भी कर लोगे तो भी तुम पाओगे कि धीरे 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 तुम्हारे जीवन के हर जगह पे तुम इस चीज को पास पाओगे, कि अगर तुम पानी भी पी रहे हो तो तुम ग्लास को लो, पानी भरो और धीरे धीरे एक को घुट पी लो,
यहाँ पे साक्षी की बात नहीं है, यहाँ पे है कि पानी तुम्हारे शरीर में जा रहा है, इसका सेंस तुम्हें बरकरार है। अब तुम पानी ही हो, अब तुम उसी जगह पे प्रेजेंट हो जो तुम क्रिया कर रहे हो। इसके बाद की भी बात है, ये तो पहला टप्पा है। पहली बात यह है कि जो तुम कर रहे हो उसको पूरी तरह से करो, और दूसरा टप्पा है जो तुम कर रहे हो वही बन जाओ, वो तो आगे की बात। ये पहली बात कि जो तुम कर रहे हो वही पे अवेलेबल रहो। हम खाना खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, हम भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं, तो खाना तो बराबर से 5 ही मिनट खाओ, 10 ही मिनट खाओ, लेकिन फिर दुनिया से ताल्लुकात छोड़ देना। एक एक निवाला बराबर से चबाना, धीरे से खाना, प्रेम से खाना। ऐसी छोटी छोटे छोटे प्रयोगों के साथ तुम पाओगे कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में तुम अपने में ऐसे स्थिर हुए कि अब बाहर की दुनिया है नहीं है पता नहीं चलता। अब बाहर तुम संबंध भी रख रहे हो, तुम्हारा पत्नी भी है, परिवार भी है, तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम राजकारण में भी हो, तुम पैसा भी कमा रहे हो, तुम पूरी दुनिया से ताल्लुकात रख रहे हो, लेकिन अब जुड़ाव नहीं। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो है या नहीं है तो तुम्हारा दिल कप कपाने लगता है। वो है तो प्रेम से है, नहीं है तो भी प्रेम बरकरार है, उस स्थिति में अब तुम्हारे आने लगे। तो इसकी शुरुआत शरीर से ही करना। तो ये दो पथ है, साक्षी के और समर्पण, उस जगह पे होने के। और याद रखना, अति मत करना, ओवर मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और बड़े प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं जीवन बदल लूंगा कल से, और वो जीवन बदलना 4 दिन टिकता है, 5वें तुम जैसे थे। क्योंकि हमारे बॉडी को एक आदत है, हमारे शरीर को एक सबकॉन्शियस आदत है जिसके तहत हम काम करते हैं। इस आदत को बदलने के लिए एक समय चाहिए। अगर तुम किसी भी चीज को जोश के रूप में लोगे तो हो जाएगी कुछ ही दिन, वो होश नहीं बन पाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम होश से जियो, जोश से नहीं। और होश का मतलब है कि अगर तुम किसी भी प्रोसेस को अपने जीवन में ला रहे हो तो 10 से 15 मिनट के लिए ही रोज करो, उसको अपने से बढ़ने देना, उसके आनंद को अपने से बढ़ने देना। तुम जानबूझकर प्रेशराइज मत करना। अगर तुम साक्षी की भी साधना कर रहे हो तो 10 मिनट अगर चल रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम बैठे हो, तुम गार्डन में घूम रहे हो और अपने शरीर के प्रति तुम साक्षी हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाने के प्रति साक्षी हो जाओ। और ये बिल्कुल होगा कि 1-2 सेकंड के लिए साक्षी टिकेगा, बाद में हिल जाएगा। खाना खाने वक्त एक निवाला तो तुम साक्षी से ग्रहण कर लोगे, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाएगा। घूमते वक्त, बात करते वक्त, सोते वक्त, हर चीज करते वक्त कुछ सेकंड के लिए ही ये साक्षी बना रहेगा, उसके बाद खो जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, ये सबके साथ होता है। जब पहले दिन बच्चा हाथ में पेंसिल लेता है, अगर उसको एक छोटी लाइन भी लिखनी है तो 2 घंटा लगाएगा, और वही 10वीं का बच्चा 5 सेकंड में लिख देगा। तो 5 सेकंड में लिखने वाले 10वीं के बच्चे को देखकर अगर नर्सरी का बच्चा कहे कि नहीं, ये 2 5 सेकंड में लिख रहा, मुझे 2 घंटा लग रहा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, तो गड़बड़ी, क्योंकि उसने भी कभी 2 घंटे से ही शुरुआत की थी। इतना याद रखना। तो थोड़ा थोड़ा 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जब भी याद आ जाए मुझे साक्षी रह ले। प्लानिंग में मत जाना कि नहीं मैं खाते वक्त ही करूंगा, अभी याद आया अभी कर, अभी साक्षी है जोश में। और ये तो तुम कहीं भी कर सकते हो, ना आंख बंद करने की जरूरत, ना कोई मंत्र की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत। तुम चल भी रहे हो तो साक्षी रह सकते हो, गाड़ी भी चला रहे हो तो साक्षी रह सकते हो, बात भी कर रहे हो तो साक्षी रह सकते हो, जो भी कर रहे हो तुम साक्षी के रूप में ले सकते हो। ये एक। और दूसरा है समर्पित। तुम जो भी कर रहे हो, अगर गाड़ी भी चला रहे हो तो बस तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने कहा गाड़ी चला, तुम खाना भी खा रहे हो तो बस तुम खाना खा रहे हो, अगर तुम किसी से बात करते करते खाना गाड़ी चला रहे हो तो रुक जाना, बस गाड़ी चला। अगर बात करते करते खाना खा रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नहीं मुझे खाना खाना है, तो रुक जाना, उसे कहना कि मैं 2 मिनट में बात करता हूं, 2 मिनट अच्छे से खाइए। अगर तुम चल रहे हो तो बस तुम चलते रहो, तुम चलने में स्थिर हो जाना, तुम उस जगह पे आ जाना कि तुम चल रहे हो। ये प्रोसेसेस कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, ये प्रोसेसेस कुछ अलग से इसके बंधन, नियम, कायदों, कानूनों की जरूरत नहीं है। ये घंटों की प्रोसेस है भी नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट भी अगर तुम इस चीज को कर लो, और वो भी एक साथ नहीं, टप्पे टप्पे में, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह से भी अगर 24 घंटे में तुमने 10 मिनट भी इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस कर ली, तो 21 दिन में, 21 दिन होते होते
तुम पाओगे कि अपने से तुम अपने में आनंदित हो, तुम पाओगे कि अपने से ही पता नहीं कैसे हैप्पी ना। अगर कोई पूछे भी कि यही बोल पाओगे तुम 21 दिन 24 घंटे में 10 मिनट, अब बाजी तुम्हारे हाथ। ये यूपीएससी की स्टडी नहीं है, करते ही जाओ करते ही जाओ। ये आमदार की नहीं है, ये कोई मंत्री पद नहीं है कि जीवन जा रहा, ये कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का देखा हुआ सपना नहीं है कि 40-50 साल की मेहनत लगी। मैं कह रहा हूं 10-21, और वो भी इकट्ठा नहीं, धीरे दब भी आता, जितना भी समय याद आए, जब भी तुम्हें परमात्मा की याद आए अपने में स्थिर, जब भी तुम्हें लगे कि जो जी रहा हो वो असंतुष्टि, जो संतुष्टि से भर दे मुझे, उसकी जब याद आ जाए, तब 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए जैसे तुम अपने में स्थिर हो, और ऐसा 10 मिनट 24 घंटे में तुम अपने में स्थिर हो, 21 दिन अगर तुम इस प्रयोग को करो तो तुम पाओगे कि अपने से तुम में स्थिरता बढ़ी, अपने से तुम्हारे स्वयं में स्थिरता। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद बैठो, अच्छे बुरे थॉट्स को समझो, अच्छी बुरी, बड़ी बड़ी बातें हैं, कभी कोई समझ ना पाया। उम्र के साथ सोच भी बदलेगी, मन भी बदलेगा, शरीर भी बदलेगा। कल तुम्हारा मन कुछ और बोल रहा था, आज अगर परिस्थिति कुछ और आ जाए तो कुछ और बोले। तो क्या रोज यही करोगे, यही कागजों पर लिखते चलोगे, यही खुद के साथ बेवकूफी करोगे, हर सपने को फिर फिर लिखोगे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इससे नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों से होगा। अगर तुम स्वयं की स्थिरता के पीछे लगो तो तुम पाओगे कि अपने से तुम्हारे जीवन में वो आनंद आने लगा जिसके लिए तुमने अपने शरीर को कसा। जिस नियंत्रण की हम बात कर रहे थे कल, उस नियंत्रित अवस्था में तुम आते ही, जैसे ही तुम इस चीज को अपने जीवन में लेके आए, तुमने पाया कि अब इस नियंत्रित अवस्था को एक ग्रेस मिला। ये तो तुमने किया, अब ये इसका हाथ तुमने थामने के लिए अपना हाथ आगे, दो अलग चीजें हैं, बराबर। कल हमने जो भी किया अपने से किया, अब हमने अपने से उसकी याद में खुद को सही किया। आज हम जो कर रहे हैं, हम बस हाथ आगे, हमने कहा कि बस मैं तैयार, अब तेरी बारी, अब मैंने खुद को आगे किया, अब मैं थोड़ा साधना के पथ पे आगे बढ़ा, अब मैं दिन के 10 मिनट तुझे दे रहा हूं, उस चीज को जानने के लिए दे रहा हूं जिस चीज की बातें हर गुरु, जिस चीज की बातों से हजारों ने हमें तड़पाया, जिस चीज की याद में हम आज भी तड़प रहे। ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, मेरा हाथ तेरे से, तुम अपनी स्थिरता से, क्योंकि जब तुम खुद में स्थिर हो तभी तो तुम हाथ आगे बढ़ा पाओ, वरना पता भी नहीं चलेगा किसके सामने हाथ खड़ा रहा, पता भी नहीं चलेगा कि हाथ किस ओर जा रहा है। अगर हाथों को आगे करना है किसी की ओर तो अपने में तो स्थिर होना पड़ेगा, तब तो कुछ होगा। जब तुम खुद में हो तभी तो तुम खुद का हाथ दे सकते हो, अगर तुम खुद में ही नहीं तो किसका हाथ दोगे और किसकी ओर दोगे। तो बस बात इतनी सी है, ये दो पथ है, इन दो पथों में से किसी को भी कर देखना, 7 दिन ये करना, 7 दिन ये करना, जो तुम्हें पसंद आए उसको कंटिन्यू, 21 दिन करके देखना, तुम्हें आनंद आएगा। और इसको अगर इस चीज को बढ़ाना है तो कल जो हमने कहा उसको पहले कर, अपने शरीर को सही स्थिति में लाकर इस पथ को जब तुम करोगे, इस चीज को जब तुम करोगे, तब तुम पाओगे कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, है ना। एक है कि मेरे शरीर का कुछ भी दुख नहीं रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ लिख रहा, और एक है कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, दिमाग दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, पेट दुख रहा है, और फिर मैं कुछ पढ़ रहा हूं या लिख रहा हूं, क्या मन लगेगा मेरा, क्या पूरी तरह से हो पाएगा? हाँ, लिख तो लूंगा मैं, पढ़ तो लूंगा मैं, लेकिन क्या पढ़ा और क्या लिखा? और वही तुम्हारा शरीर स्थिर है, अब जब तुम लिख रहे हो तब आनंद, तो पूरी ईमानदारी के साथ तुम उस चीज को करो। ये वैसे ही साधना के पथ पे तुमने अपने इंद्रियों को थोड़ा सा सही लाभ किया, और उसके बाद एक साधना में तुम अग्रसर हुए, अब आसानी हुई शरीर को उस चीज में उतरने के लिए, क्योंकि अब तुम पूरे शरीर का ख्याल रख रहे हो दिन भर उस चीज के लिए जो तुम साध्य कर रहे। इतने से आज हम रुकेंगे, स्वयं में स्थिरता का बस इतना ही मतलब है, इस चीज को बराबर से समझना,
कि स्वयं की स्थिरता का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। लोग तुमसे कहेंगे कि स्वयं में वही स्थिर हो सकता है जिसने स्वयं को जाना, और स्वयं को वही जान सकता है जिसने आत्म तत्व को जाना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बेवकूफों की भाषा। जिसने स्वयं को जान लिया वो बचा ही नहीं, तो वो कहाँ खुद को स्थिर करेगा? अगर तुम ही नहीं बचे तो तुम कहाँ स्थिर हो? ये तो साधक के लिए, ये तो साधक का पथ है कि स्वयं में स्थिरता। इसका मतलब है कि अभी के लिए वो जो खुद है उसमें ही वो स्थिर हो जाए। अभी जो हाथ में है उसको तो पकड़ लो, कल की चिंता कल करें। अभी जो थाली में है वो तो खा लो, कल का खाना कल खाएंगे। तुम कहोगे नहीं कल फाइस्टर में जाके खाऊंगा, तो आज नहीं खाऊंगा, बेवकूफ हो। तो पेट दुखेगा, तो रात को नींद नहीं आएगा कि जस्ट बिकॉज कि कल फाइव स्टार में जाना है इसलिए आज नहीं खाओ। ऐसा करते हो? नहीं करते। कोई करता भी होगा तो मुझे पता। लेकिन कहने की बात कि कल की चिंता में हम आज को नहीं छोड़ दे, आज को भी पकड़ते हैं। क्योंकि आज अगर तुम हजार हजार रुपए जमा करोगे तो जाके कल 1,00,000 बनेगा। तुम कहोगे नहीं अचानक से कहीं 1,00,000 आएंगे और धड़ से मेरे अकाउंट में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बेवकूफ हो अगर ऐसा सोचते भी। और वही तुम हजार हजार की राशि जमा कर रहे हो रोज, और तुमने पाया कि कुछ ही महीनों में 1,00,000 रुपए तुम्हारे पास जमा हो गया। ये हर कोई करता है, जैसे तुम ये करते हो वैसे ही इसको भी करना। जो तुम्हारे पास है तुम उसको पहले पकड़ना, तो ही वो मिल पाएगा जिसकी बातें चल रही, अन्यथा ये भी गया और वो भी गया, ना ये हाथ लगा वो हाथ, जीवन से भी गए और अध्यात्म से भी गए, ऐसा ना। इसकी चेष्टा में बहुत समय बिताना खुद के साथ, कि पहले शरीर कि आत्मा परमात्मा बाकी। क्योंकि जब हाथ कटेगा तो लहू ही बहेगा, और हाथ कटेगा तो दर्द भी होगा, और ऐसा होगा कि भाई जान चली जाए, ना कोई आत्मा याद आएगी ना कोई परमात्मा याद आएगा। तो हमारी वास्तविकता हमारा शरीर है, हमारी वास्तविकता हमारे विचार और मन है। चाहे तुम इससे कोई भी कह दे कि ये सब मिथ्या है, चाहे तुमसे कोई भी कहते कि ये तो माया है, तो उसका हाथ काट दे और फिर देखना कैसा तड़पता है। जो भी तुमसे कहे कि ये जगत मिथ्या सब माया है कुछ पड़ा नहीं है, उसको बोलना नंगा घूम घूम के दिखा। तो माया को तुम डाले हो, माया में जी रहे हो, और माया में ही और मंदिर बना रहे हो, माया में जी रहे और माया में और कुछ निर्मित करते हो, ये तो महामाया हो गए। इसको जानने के बाद भी कि ये माया है, तुम और माया में का खुद को जला लो, तो बात सी। तो इन बड़ी बड़ी बातों में मत लगना, ये बड़ी बड़ी बातें हैं अपने अनुभव के पार की है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता। जब तुम इतना प्रैक्टिकली अध्यात्म में चलोगे तो कुछ हो पाएगा। जैसे ही तुमने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उसके पहले जानने से पहले कि तुम बिगड़े, तुम्हारे चाल डाल बिगड़े, तुम इतना ही कहना कि भाई मैं नहीं जानता, वो कहता होगा तो हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैं अपने पथ पे, मैं अपने रास्ते में, अगर मैं जानूंगा तो बोलूंगा, अगर नहीं जाना तो मैं नहीं बोलूंगा। तुम इतना स्थिरता से अपने जीवन में चलना तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक अलग आनंद आया। तुम स्थिर हुए अपने, तुम उन चीजों के प्रति नहीं संवेदनशील हुए, तुम उन चीजों के प्रति भागना बंद किए जो तुम्हारे अपने अनुभव की नहीं। और जब तुम ऐसे जिए तब तुम परमात्मा के प्यारे, परमात्मा का तुम पर विशेष कृपा। तुमने पाया कि जैसे ही तुमने अपने भीतर वो सहजता लाई कि जो है जो मेरे अनुभव में है मैं वही बोलूंगा, बाकी का मुझे पता नहीं, तो तुम अपने जीवन के प्रति संवेदनशील हुए, तुम परमात्मा के प्रति संवेदनशील हुए, तुम निसर्ग के प्रति संवेदनशील, और जो अपने प्रति संवेदनशील है सबके प्रति। तो अगर तुम्हें दुनिया में सच में क्रोध को कम करना है, वासनाओं को कम करना है, इच्छाओं को कम करना है, लोगों के झगड़ों को कम करना है, प्यार बढ़ाना है, तो बस दूसरों को छोड़ो अपने को पकड़ो। जैसे ही हर किसी ने अपने को पकड़ा, जैसे ही वो स्वयं में स्थिर हुआ सब में स्थिर, जैसे ही वो खुद के पास आया सबके पास, जैसे ही वो खुद प्रेम से भरा उसने सबको आनंद ही बांटा। यार तुम्हारे पास ही कुछ नहीं और तुम बांटते फिर रहे हो, हाँ क्या हाथ लगे, ऐसी सबकी स्थिति है। तो बाहर की चीजों की ज्यादा चिंता मत करना, किसी चीज को छोड़ने की कष्टता में मत लगना। तुम ये मत कहना कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं वासना में नहीं उतरूंगा, मैं भविष्य की और सोच में नहीं अटकूंगा, मैं और ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं और सपने नहीं देखूंगा,
इन बातों के पीछे मत लगना, क्योंकि कभी छोड़ नहीं पाओगे तो। और अटकते ही चले जाओगे, और अटकते ही चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बस तुम ये कर लो और तुम पाओगे कि अपने अपने से अपने से सब स्थिर हुआ तुम्हारे जीवन में। चेष्टा की जरूरत। आज हम यहाँ पे रुकेंगे।